इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अरे करो आपकी शुरुआत मजे। हाँ और क्या, एक या दो मिनट का बनवा लो, मतलब ये क्या नहीं बनेगा आयुष्मान वाला। नहीं बनाना, नहीं बनाना, आयुष्मान नहीं बनाना। हम सब आशा कार्यकर्ता विरोध करते हैं आयुष्मान कार्ड नहीं बनाना, नहीं बनेगा, ज्ञापन दे रहे हैं। कल भी एक मैंने गर्भवती को भेजा था, उसको मना कर दिया, और आज उसको पेन आ रहा है, वो भी आयुष्मान के लेके यहाँ साफ मना कर दिया। मैंने खुद बात करी, मैंने कहा इसका इमरजेंसी, आप इसका तो बनाओ। के उस तरह से बहुत ऊंचा है मैडम, ये काम आसाओं से हो ही नहीं सकता है। टाइम से पेमेंट आने लगे ना, तो आप भले जिस तारीख को बोलेगा उस तारीख को रिपोर्ट जमा करने के लिए तैयार है। सारा काम छोड़ के चले जाए पहले रिपोर्ट। और मैडम दूसरा ये कि जो टुकड़ों में पैसे आते हैं, टुकड़ों में नहीं आते, एक मुश्त कर जाते हैं। इतने की रिपोर्ट आशा का भी ऐसे रहता है, पैसे मंगा देते हैं, पैसे तो इन चार महीने हो गए, जो हमको पहले पानी भी नहीं आता, फटाका लाइट का भी पेमेंट नहीं डाला। बाकी विलायत में कोई पता नहीं, क्योंकि किसी किसी घर को मैडम इसी के आधार पर चलता है। सबसे सरकार में मदद करती है, किस विषय को ज्ञापन देना है और क्या मांगे आपकी? हम सब आशा कार्यकर्ता यहाँ शिवमल चौपिस इस मांगों पर लेके आए हैं कि हम लोगों से आयुष्मान कार्ड बनाने का दबाव डाला जा रहा है, जिससे हम लोग आयुष्मान कार्ड बनाने में बहुत तरह की असुविधाएं प्राप्त हो रही है, और इन लोगों का कहना है कि आप ही लोग बना के देखें। इसलिए हम सब आशा बहने आए हैं कि हम लोगों से बन भी नहीं रहा है और हम बनाएंगे भी। अच्छा, किस तरह का दबाव आप पे बनाया जा रहा है? दबाव इस तरह की बनाया जा रहा है कि जैसे आप लोग आयुष्मान कार्ड बना के हितराई को नहीं दे रहे हैं, 100% अगर आपके वार्ड में आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है तो आपके मतलब आपके सरकारी कार्रवाई की जाएगी। तो अब आपका क्या विरोध प्रदर्शन इसको लेकर? विरोध प्रदर्शन हम लोग ये करने आए हैं कि हम लोग अब ये आयुष्मान कार्ड नहीं बनाएंगे या नहीं हमसे बन पा रहा है, क्योंकि एक तो सब आशाएं इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो उस ऐप से आयुष्मान कार्ड बना पाए, दूसरी ने सबके पास मतलब एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तीसरी बात कि किसी के पास डाटा है किसी के पास नहीं है, और हम अपनी पर्सनल बैलेंस से कितनी आयुष्मान कार्ड बना देंगे। अगर आप पे आगे भी इस तरह का दबाव बना जाता तो फिर कैसा आपका विरोध रहेगा? तो अगर आगे भी इस तरह की हमारे पे दबाव बनाया जाएगा तो हम आगे भी हम ऐसे ही हड़ताल करेंगे। अभी तक तो हम जिले में आए हैं, अगला हम NRI से भोपाल भी जा सकते हैं। कितने आशा कार्यकर्ता आज यहाँ पे पहुँची है? आज हम लोग यहाँ समथिंग 1000 से ऊपर आशा कार्यकर्ता है। क्या नाम है आपका? अनिता सिंह चाड़ीशत, आशा कार्यकर्ता। हम आशा कार्यकर्ता है और हमारी दो विषय है, एक तो आयुष्मान नहीं बन रहा है तो उसकी वो समस्या है, और दूसरी समस्या यह है कि हमारा मानदेय जो है वो कभी फिक्स टाइम पे नहीं आता है, ना तो आशा सुपरवाइजर का आ रहा है ना आशाओं का आ रहा है।
तो हमें वो एक तारीख निश्चित कर दे कि 5 तारीख को डले तो 5 तारीख को ही चाहिए, और पूरा पेमेंट चाहिए हमको, कटा हुआ नहीं चाहिए। हम रिपोर्ट 8,000 की देंगे, 7 की देंगे, कभी 3 डाल देंगे, कभी 2.5 डाल देंगे, कभी 3.5 डाल देंगे, पूरा पेमेंट आता ही नहीं, तो बाकी पेमेंट कहाँ जाता है। और ये आयुष्मान बनाने में क्या समस्या आ रही है? उसमें ये है कि ना तो वो मोबाइल चल रहा है, मतलब जब भी अपन चला रहे हैं तो, और उसके बाद में ना तो डाटा है हमारे पास ना मोबाइल। कुछ बहने ऐसी है कम पढ़ी लिखी, उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल ही नहीं है, तो वो काई में बनाएगी। अब ये दवा दे रहे हैं कि अपने पति के मोबाइल से बनाओ, बच्चे के बनाओ, तो जरूरी बच्चा मोबाइल कहीं हो जाएगा तो उसके साथ नहीं ले जाएगा, और बतलाते भी तो आना। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी यही मांग है कि हमसे आयुष्मान नहीं बनेगा, ये काम आप कोई भी ऑपरेटर को दो या आयुष्मान मित्र को दो, किसी से भी बनवाओ आप, बाकी आशा हो उसमें नहीं बनेगा। अगर फिर भी आपका दबाव बना के बनवाएगा हमें, तो फिर मोबाइल और डाटा सब दो। कितने आशा कार्यकर्ता हैं? अलग से एक जरा से जरा आते हैं, ऐप बता देते खोल के, ऐप खोल लो और डाउनलोड कर लो, हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। कितने आशा कार्यकर्ता हैं? 1,000 आशा है, 200 सुपरवाइजर। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता चौहान, जिला अध्यक्ष। आशा कार्यकर्ता अभी आपके केबिन में पहुँचे थे? हमारी आशा कार्यकर्ता हैं, वेतन से संबंधित जो है उनकी समस्या है कि टाइम से मिल जाए, एक तो वो समस्या थी उनकी, और दूसरी समस्या ये आयुष्मान कार्ड बनाने की है, जिसमें उन्हें प्रॉब्लम जा रही है कि कहीं नेट नहीं चल रहा है, कहीं हितग्राही नहीं मिल रहे हैं, और कुछ उनसे ये काम ठीक से हो नहीं पा रहा है, तो वो चाहती हैं कि रोजगार सहायक ये काम कर दे या आयुष्मान मित्र से ये काम करवा लिया जाए, वो उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बाकी उनसे ये कार्ड बनाने का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। मैडम उनका कहना है कि आयुष्मान जो कार्ड बनाया जा रहा है उसके लिए उनको दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर। दबाव नहीं, ये तो शासन के कार्य हैं, तो कार्य में सहयोग करने के लिए ही है उनका, उनका सहयोग लिया जाता है, और जो सक्षम है वो तो बना भी रही हैं, जो सक्षम नहीं है, जो नहीं बना पा रही हैं इस कार्य में, वो नहीं बना पा रही हैं, कुछ तो बना लेती हैं, लेकिन कुछ आशा कार्यकर्ता है जो नहीं बना पा रही हैं, उनकी समस्या आ रही है। क्या कुछ आपके द्वारा निर्णय लिया गया है, क्या होगा? मैं उनकी बात को उच्च अधिकारी के पास रखूंगी कि जो नहीं बना पा रही हैं वो उनका कार्य। पेमेंट को लेकर क्या समस्या में इनका आरोप है कि पेमेंट आधी आती है, कहीं आती नहीं है टाइम पर? इनको हर एक कार्य का मानदेय दिया जाता है और कुछ निश्चित वेतन दिया जाता है, तो निश्चित वेतन समय पर दे देंगे, और इनका मानदेय कार्य आधारित होता है, तो जैसे इनकी रिपोर्ट आती है समय पर तो हम ये मानदेय इनका दे देंगे। मैडम उसका कहना है कि पिछले महीने की पेमेंट भी नहीं आई है उनकी, वो मैं दिखवाती हूँ।